नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के किले एवं दुर्ग से संबंधित। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। चार चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते रहें। पृथ्वीराज रासो, एक लिंग महात्म्य, विरुद्ध विधि विध्वंस, या फिर कुमारपाल प्रबंध। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड्स, का सही आंसर क्या रहेगा। कुमारपाल प्रबंध, चार नंबर ऑप्शन, एक में अपना चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं, वसंतगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, कांकवाड़ी दुर्ग, या फिर भोपालगढ़ दुर्ग। क्या रहेगा इसका सही आंसर, भोपालगढ़ दुर्ग। चार नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है वो आपको बताना है। नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टू का फ्रेंड्स, ये चिड़िया टू पहाड़ी, नाग पहाड़ी, या फिर सुप्पा पर्वत। जल्दी से इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो क्या रहेगा अपना दो नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, अजमेर, मोदक, आमेर, गागरौन, सिवाना। अजमेर में है, आमेर में है, गागरौन में, या फिर सिवाना में, कहाँ है वो आपको बताना है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है फ्रेंड्स, तो किस स्थान पर, ये गागरौन में। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन अपना चार में राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पाँच नंबर क्वेश्चन, सरिस्क स्थित कांगनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था वो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा। शासक मंथन देव, स्वाई जय सिंह, विष्णुवर्धन, या फिर राव राजा प्रताप सिंह। किसने फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर रहेगा स्वाई जय सिंह। अपना दो नंबर ऑप्शन अपना पाँच में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा दुर्ग पंचमहल के नाम से विख्यात है वो आपको बताना है। राजौरगढ़ दुर्ग, निमराणा का किला, बयाना दुर्ग, या फिर कांकवाड़ी दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर रहेगा अपना निमराणा का किला। दो नंबर ऑप्शन छः में अपना दो नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपना, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध है निम्न में से किस दुर्ग से है वो आपको बताना है। नवल बाण नामक विशाल तोप का तो किस दुर्ग से है, किस दुर्ग से, शाहबाद दुर्ग। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आप लोगों का। तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, राजपुताना अजायबगढ़ यानी म्यूजियम किस किले में स्थित है वो आपको बताना है। नाहरगढ़ दुर्ग, मेघजनी अकबर का किला, या फिर कोटा दुर्ग, या फिर आमेर दुर्ग, कहाँ पे है वो आपको बताना है। तो कहाँ फ्रेंड्स, ये मेघजनी अकबर के किले में राजपुताना अजायबगढ़ या म्यूजियम स्थित है। तो अपना दो नंबर ऑप्शन आठ में अपना दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था किसे कहा जाता था। बठनेर का किला, चूरुआ किला, मांडलगढ़ दुर्ग, या फिर नागौर का दुर्ग। किसे, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता था, तो बठनेर का किला। एक नंबर ऑप्शन अपना नौ में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना दस नंबर क्वेश्चन, शाहबाद दुर्ग स्थित है कहाँ पे, त्रिकुट पर्वत पर, पर्वन पर्वत पर, मेसा पठार पर, या फिर बामती पठार पर। कहाँ पे है ये शाहबाद दुर्ग, कहाँ पे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन, तो इसका सही आंसर रहेगा द ऑप्शन, बामती पहाड़ी पर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने, जयगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। तो कौन सा रहेगा इसमें, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है, ये जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल राइट रहेगा ग्यारह में। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते अपना, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है वो आपको बताना है। रणथंबोर, मेहरानगढ़, जूनागढ़, या फिर जैसलमेर दुर्ग। तो कौन सा रहेगा इसमें, जैसलमेर दुर्ग। द ऑप्शन अपना 12 में बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। किस दुर्ग के अंदर वो आपको बताना, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार
जन बुद्ध सूर्य ग्रंथ भंडार है जी, जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या अकबर का किला। तो इसमें कौन सा रहेगा, जैसलमेर का दुर्ग। सही ऑप्शन फ्रेंड्स, सही ऑप्शन 13 में अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। गागरौन दुर्ग, जालौर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या फिर शिवाना का दुर्ग। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है कहाँ पे स्थित है, ये है जालौर दुर्ग में। ठीक है, आपको याद रखना है बे ऑप्शन 14 में अपना बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन स्थित है, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन स्थित है कहाँ पे है, बूंदी का किले में, कुमलगढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर अचलगढ़ दुर्ग में, कहाँ पे है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन स्थित है बूंदी के किले में। ठीक है, याद रखना आपको ए ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग फ्रेंड्स एक अजमेर वाला और एक बूंदी वाला उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसमें रहेगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, ए ऑप्शन, सॉरी बे ऑप्शन अपना 16 में बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है वो आपको बताना है। तो कौन सा, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, विजय मंदिर, रणथंभौर। वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या रहेगा इसमें, ए ऑप्शन तारागढ़ दुर्ग, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 17 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपना, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, वह किला कौन सा जिसमें एक जैसे 9 महल, आमेर किला, जूनागढ़ किला, नारगढ़ किला या फिर जोधपुर किला। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से था इसका सही आंसर क्या रहेगा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है वह है नारगढ़ का किला फ्रेंड्स, याद रखना है। ठीक है, सही ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गागरौन दुर्ग के संदर्भ में गलत कौन सा तथ्य है वो आपको बताना है, कौन सा तथ्य गलत है। इसका परकोटा जालिमकोट कहलाता है, यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, इसमें हुनुकार तोप स्थित है या इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था, कौन सा गलत है वो आपको बताना था। इसमें फ्रेंड्स इसमें हुनुकार तोप स्थित है, ये एक तक गलत और ये तीन सही है। तो अपना इसमें सही ऑप्शन 19 में राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं, ओदिक जल दुर्ग, गिरिदुर्ग या फिर धानु दुर्ग, क्या कहलाता है। रेगिस्तान निर्मित दुर्ग को कहा जाता है धानु दुर्ग। ठीक है, याद रखना आपने द ऑप्शन फ्रेंड्स, द ऑप्शन 20 में अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूले। तो फ्रेंड्स आपकी क्लास रेगुलर हो सके तो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।